ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव। तो इस प्रकार से वो रात पूरी हुई, बाबा से बातचीत करते सब कुछ हो गया। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम लोग विश्राम कहाँ करोगे? तो हम लोग तो कुछ बोले नहीं। बाबा ने उल्ट के पूछा फिर दीदी से, दादियों से, तो कहा बाबा इनका कोई पहच वो तो था ही नहीं, कोई खोज खबर ना सूचना थी, तो इनको कैसे जो है प्रबंध दिया जाता। तो बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा यहाँ एक राधेश्याम बाबूजी कानपुर में इनकम टैक्स के कमिश्नर थे और वो लखनऊ के रहने वाले थे। जो खुर्शीद बाग का सेंटर है वो बाबूजी ने डोनेट किया था उस जमाने में। तो बाबूजी के लिए बाबा ने कहा वो कमिश्नर को बुलाओ, उसको फ़ोन लगाओ और वो इन बच्चों को ले जा कर के। तो पहले ही दिन से बाबा ने चढ़ा दिया, कमिश्नर लेने आए हैं उनके बंगले में। बाबा ने कहा बच्चों को कोई तकलीफ ना हो तो इनको सब जा कर के दो प्रबंध। तो वहाँ से उन्हीं की कार में आते थे, उन्हीं की कार में रात को जाते थे। तीन चार दिन हो गए तो लोगों को लगा कि ये तो हटने वाले नहीं, जम के ही बैठ गए, आए बाबा से मिलने। तो माता जी जो थी उन्होंने हम लोगों से बात किया क्लास के बाद लान में कि अब आप लोग जा सकते हैं, अब तो बाबा से मिल लिया, दो तीन दिन आपने बाबा की क्लास ली, पालना ली, अब आप वापस जा सकते हैं। कब जाएंगी? तो इतना सुनते हुए भाई चले जाना चाहिए, तो कहा आज ही चले जाते हैं। कहाँ चले जाओ, लेकिन बाबा से मिल के जाएंगे। तो जब बाबा से मिल के कहा तो बाबा वैसे भी लान में टेनिस खेलने के लिए निकलते थे, ये गुप्ता भाई जी वगैरह थे ना, तो बाबा खेलते थे उनके साथ और हम लोग दिन में बैठ के मज़ा देखते थे, वो खेलते थे। तो बाबा जब निकले तो हम लोग बाबा के आगे ऐसे घेर के राउंड में खड़े हो गए। बाबा ने बोलो बच्चे क्या है? पिताजी ने कहा बाबा आज हम लोग सब वापस गाँव जा रहे हैं। कहा अच्छा गाँव जा रहे हैं? तो बाबा दृष्टि देते रहे बारी बारी ऐसे एक को खड़े खड़े। तो फिर दोबारा जब दृष्टि मेरे ऊपर बाबा की गई तो मुझे तीन बार बाबा ने नीचे से ऊपर तक देखा और देख करके पूछा कि बच्ची तुम भी जा रही हो? तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर हमारे लौकिक पिताजी से पूछा कि ये बेटी तो मेरी है तो क्या तुम उसको ले जाओगे? तो जवाब दिया पिताजी ने कि बाबा जब आपकी बेटी है तो मैं ले जाने वाला कौन हूँ, मैं कैसे ले जाऊँगा। फिर बाबा दो कदम आगे आए और हाथ पकड़ करके लाके सीने से लगा लिया, बच्ची तुम ना जाना, जाने दो इन लोगों को। तो बस हो गया वहीं हमारा हिसाब सौदा पक्का। फिर यहाँ तक कि वो लोग जा रहे हैं तब उनको गेट तक भी छोड़ने नहीं आए। दीदी कहती है बुद्धू परिवार तेरा जा रहा है, गेट तक तो छोड़ के आ जा करके। हमको लगा बाबा ने ले लिया बस खत्म। तो फिर हम गेट तक छोड़ने गए।